आज हम आए जी बहुत ही फैंटेस्टिक जगह पे। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है हमारे शहर में, ऑथेंटिक टेस्ट देता है, जिसका नाम है ईटा साउथ इंडियन ऑथेंटिक किचन। तो यहाँ पे हम टेस्ट करने आए इनका ईटा स्पेशल डोसा। मेरा नाम रचना डेविड है, मैं जलंधर से बिलोंग करती हूँ, और ये हमारा रेस्टोरेंट जो है इसका नाम है ईटा साउथ इंडियन ऑथेंटिक किचन। यहाँ पे हर तरह की साउथ की डिशेस बनाई जाती हैं। इसको बेसिकली हमें एक साल हुआ है ओपन किए। टेस्ट इट्सेल्फ इज़ वेरी यू नो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो करते हैं इस बिजनेस में हैं वो पंजाब का और साउथ का मिक्स करके वो अपना यू नो टेस्ट इंट्रोड्यूस किया उन लोगों ने, लेकिन हमारे यहाँ पे आपको साउथ का ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा। मैं राजकुमार डेविड हूँ। मैं अभी इधर इसलिए आया हूँ, मैं एयरफोर्स में फाइटर पायलट था एंड 20 इयर्स सर्व किया पूरा पंजाब में, एंड इधर आके फिर मैं इधर सोचा, फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कुछ करना, इसलिए ईटा कॉन्सेप्ट आया, ईटा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट आया इधर। एंड ये ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, टेस्ट यूनिक होगा इसका, बिकॉज हमारा प्रिंसिपल है फार्म टू फोक है, जो सामान फार्म में पैदा होता उसको डायरेक्टली प्रोक्योर करके हम टेबल तक लेके आते हैं। हम इधर चिल्लीस है, ऐसे ग्रीन चिली है, रेड चिलीस है, या 16 चिलीस यूज़ करते हैं। टर्मरिक साउथ से आता, स्पेशलिस्ट वेजिटेबल्स भी, स्पेशल वेजिटेबल्स भी साउथ से आता, सो यही यूनिक फैसिलिटीज फीचर्स हमारा। चेन्नई से सामान आता, ओरिजिनली फार्म से प्रोक्योर करते डायरेक्टली, चिल्ली है, कोरिएंडर है, कोरिएंडर जयपुर से आता, जोधपुर जयपुर से, सो ऐसे जहाँ जहाँ जो स्पेशल जो होता है उनका उधर से हम प्रोक्योर करते हैं डायरेक्टली। तेल जो उडन इसमें होता है, चक्की होता है ना, उसमें होता है, नेचुरल वे में तेल एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। न्यूट्रिशियस तेल है। यहाँ पे जो ऑयल यूज़ होता है वो दैट इज़ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, और जिंजली ऑयल जिसे कहते हैं, ये अपना तिल का तेल, दैट इज़ वेरी नेचुरल और बहुत सेहत के लिए इसकी न्यूट्रिटिव वैली बहुत अच्छी है। सो ये सारा हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हम अपने किचन में यूज़ कर रहे हैं, जो आप मद्रास में चेन्नई में जाके आप जो टेस्ट ले सकते हैं वो सेम यहाँ पे आपको मिलेगा। इडली का जो है बेसिकली वाइट इडली आपने सबने सुना होगा, ठीक है, वो मिलती बनती है चावल और दाल से, लेकिन हमारे यहाँ पे हमने अभी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस किया है बीटरूट इडली, पालक इडली, रागी इडली, गाजर की इडली। सो ये बेसिकली उसमें उसके जूस से बनाया जाता है सब कुछ, उसमें जूस ऐड ऑन किया जाता है, जिससे उसकी न्यूट्रिटिव वैली बहुत बढ़ जाती है। डोसा, मसाला डोसा, उत्तपम, वेराइटी ऑफ उत्तपम सर, सारा ईटा स्पेशल डोसा हमारा, मैसूर मसाला डोसा, उसके बाद रागी आइटम्स है, मिलेट्स, फिंगर मिलेट्स बोलते हैं, विच इज़ वेरी हेल्थी टू हेल्थी फॉर द सिंग कार्डियक पेशेंट्स, रागी है एंड अदर मिलेट्स है, सो वो सारा ये करते हैं हम इधर। प्राइजेज हैं हमारे वेरी नॉमिनल हैं, नॉमिनल कहें तो जो आउटसाइड कार्ट में आपको प्राइस मिलेंगे ना, जहाँ पे आप खड़े होके खा रहे हैं, जहाँ पे आपको फूड हाइजीनिक नहीं मिल रहा है, वहाँ जहाँ पे अडल्ट्रेशन चल रही है और ओपन एयर में, ओपन डस्ट में आप खाना खा रहे हैं, तो वही सेम प्राइस हमारे आपको इस एम्बियंस में, इस हमारे रेस्टोरेंट में मिलेगा। यहाँ पर साउथ इंडियन थाली भी सर्व की जाती है। साउथ इंडियन थाली की खासियत ये है कि इट इज़ वेरी ऑथेंटिक, बिल्कुल साउथ इंडिया की तरह सर्व किया जाता है, जिसमें 3 से 4 सब्जियां होती हैं, रसम होता है, सांभर होता है और पूरी होती है, चावल होता है, दैट इज़ अनलिमिटेड खा सकते हैं जितना भी आप खाना चाहें। मैं जलंधर वासियों को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार ज़रूर आके यहाँ पे विज़िट करें, टेस्ट करें, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको यहाँ का खाना और यहाँ का सर्कमस्टांस बहुत हेल्दी और बहुत आपको अट्रैक्टिव लगेगा, आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। मिस्टर उदय कपूर ना मेरा बहुत वेरी क्लोज फ्रेंड है, सो उन्होंने नोटिस बोर्ड जलंधर में मेरे को काफ़ी प्रमोशन में हेल्प किया, उन्होंने सभी अच्छा इधर इसके बारे में प्रमोशन किया,
एंड इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर उदय कपूर जी का, जिन्होंने ये फीडबैक दिया कि यहाँ पे आप एक बार टेस्ट जरूर करना, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है। आपको फील नहीं होगा पंजाब में बैठे हैं या चेन्नई में कहीं बैठे हैं। तो ये रहा जी हमारा डोसा ईटा स्पेशल। मेकिंग आपको थोड़ी सी दिखाई है, आम जैसे ही डोसा बनता है, बट इसमें जो इंग्रेडिएंट डलते हैं, जो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बहुत बढ़िया तरीके से ऑथेंटिक और देसी घी में। नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादा बटर में बनाया जाता है, बट ये देसी घी में ये तैयार किया जाता है। और सांभर और साथ में तीन चटनी जो हैं वो दी गई हैं, नारियल की, ये नारियल की चटनी है, ये है टमाटो की, और ये है पुदीने वाली चटनी। और साथ में जी क्या ही कहने, सांभर, सांभर इतना ज़बरदस्त थिक है और पतला नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा थिक भी नहीं है, बट जो इसका वो होना चाहिए ना गाढ़ापन, वो है। तो टेस्ट करते हैं जी डोसे का, तो किस कॉर्नर में शुरू करें, ज़्यादा मज़ा आए जहाँ इस यहाँ से करते हैं। तो इसमें आपको बताया पनीर है, ड्राई फ्रूट है, काजू है, किशमिश है, और साथ में है आलू मसाला, जो कि नॉर्मली होता ही है। तो ये है इनका स्पेशल ईटा स्पेशल डोसा। तो ये है जी सांभर, तो इसको करेंगे हम, सांभर से भरेंगे और साथ में लेंगे नारियल की चटनी। बेसिकली पर्सनली मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है ज़्यादातर, तो इसको टेस्ट करते हैं साथ में। साउथ इंडिया तो कभी गया नहीं, वहाँ का टेस्ट कैसा होता होगा, पर ये कह सकता हूँ कि जो हमारे शहर में साउथ इंडियन की डिशेस मिलती हैं, चाहे डोसा है, चाहे इडली है, सांभर है, ये उससे तो अलग है। तो मुझे लगता है ये वाकई जो टेस्ट दे रहे हैं ना, ये वहीं का टेस्ट है। मसाला जो आलू वाला जो है ना तैयार किया हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। और जो टेस्ट आ रहा है ना काजू का और किशमिश का, मज़ा ही आ गया जी, वेरी नाइस। और सांभर के क्या कहने, सांभर तो लाजवाब। तो लीजिए जी आ गया जी सांभर बड़ा, बड़ी स्लो आंच में बनाया जाता है, और आप इसका वाह क्या क्रिस्पी है, वाह जी वाह, क्या ही बात है। और इसको करेंगे हम टेस्ट सांभर के साथ लगा के, सांभर बहुत बढ़िया जी। तो सांभर ऐसा है कि अगर ख़त्म होगी तो और भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए भाई साहब, और नारियल की चटनी, वाह, तो भाई साहब बड़े ने तो बहुत कमाल कर दिया। और साथ में सेम वही चटनी, पुदीने वाली और टमाटर वाली, और साथ में नारियल की बहुत ही बढ़िया चटनी। एक बहुत स्पेशल चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे मिलती है आपको साउथ इंडियन थाली, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझको सभी के नाम तो नहीं पता, पर इतनी बड़ी थाली होती है मात्र 150 की। और मज़े की बात यह है कि अनलिमिटेड, जितना आप खा सकते हो उतना खाइए, सैटरडे संडे उसका एंजॉय कर सकते हैं, लंच में भी डिनर में भी। तो आइए एंजॉय कीजिए यहाँ पे। एड्रेस जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, फैमिली को लेके आइए। और फिर मिलते हैं हम नई जगह पे और नए फूड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।